मेरे सामने बैठे हैं चौधरी शीशपाल। पूर्व में दो टर्म 10 साल विधायक तो थे ही, विधानसभा में उपनेता भी थे। मैं इनसे ये जानना चाहता हूँ कि क्या कांग्रेस जो जनाधार से खिसकता जा रहा है, क्या इसके पीछे मुख्य कारण है? आज इंडिया गठबंधन जो भी देश में चल रहा था, वो एक एक करके सब जो है बिखरते जा रहे हैं। आइए जानते हैं इनसे इनका क्या कहना है। मैं जो आपने कहा कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है वो खिसक रहा है, मैं इससे सहमत नहीं हूं सिंह साहब। कांग्रेस का वोट बढ़ रहा है, आप चाहे किसी भी चुनाव में देख लो, कांग्रेस का हर चुनाव में वोट बढ़ रहा है। हर पूरे हिंदुस्तान में अब दोबारा से जो है लोगों का रुझान फिर कांग्रेस से की तरफ जा रहा है। अब ये गठबंधन के लोग जो है, आप बिहार की बात करते हैं तो नीतीश जी का तो पीछे का इतिहास ही रहा है। मैन हमारा गठबंधन जो है लालू यादव परिवार से था और वो आज भी है। नीतीश जी आते हैं वेलकम है, नहीं आते तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ना। पीछे भी तो लालू जी और कांग्रेस पार्टी लड़ी थी और वहाँ का रिजल्ट बहुत अच्छा था। ये तो ओबेसी ने जो वहाँ काम खराब करा था, जो 5 सीट वो ले गया जो किसी काम की नहीं रही, और 8-10 सीट से ज़्यादा उसने काम खराब, उन्होंने वोट ले करके 5,000 से 1,000 वोट जो, और जो 100-200 वोट से हमारी पार्टी की और लालू की जी की पार्टी की जो हार हुई है। अगर वो नहीं लड़ता तो कम से भी कम 13-14 सीट हमारी फालतू वहाँ पर सत्ता में आती। तो वोट बैंक बढ़ रहा है, ये चुनाव आएगा, आप इसमें देख भी लेना। कांग्रेस जो है अब जाएगी, काफ़ी सीटें आएंगी, चाहे बिहार है चाहे दूसरे स्टेट है। आप ये बताएं कि बिहार पे तो आपने जो भी कहा वो सब ठीक है, बंगाल हो, पंजाब हो या अन्य कुछ स्टेट और भी हैं, कोई भी गठबंधन दिख नहीं रहा है, सब अपने आप में बिखरता ही नजर आ रहा है। तो क्या इन बातों से संकेत देंगे आप कि लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन कांग्रेस कर सकता है या फिर कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी बाजी मार जाएगी? पंजाब में 13 की 13 सीट जो कांग्रेस आएगी, आप देख लेना, क्योंकि वहाँ आम आदमी से अब खफा हैं लोग, जो इन्होंने वायदे किए, जो ड्रामा, आप ये देख लें कि चुनाव प्रचार में क्या कहा था, फिर आज भी प्रचार होता कुछ है और वहाँ हकीकत में उतना नहीं है। जो मान साहब कह रहे हम 13-13 पे लड़ेंगे, तो उनको उनका जो है पता चल जाएगा कि उनका क्या औकात है। वहाँ 13-13 सीट जो है कांग्रेस की आएंगी। कोलकाता में सीटें हमारी बढ़ेंगी, ममता जी जिस घमंड में बोल रही है उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। विधानसभा में भी अगर राहुल जी अंदर खाने उनका सहयोग नहीं करते, कांग्रेस नहीं करती, तो सत्ता हत्याना उनको बंगाल की मुश्किल हो जाता। ये तो ये था कि कांग्रेस ने सोचा कि भाई चलो हमारी उतनी सीट नहीं आती, तो इनको वो एक तरह से उनको मदद करी है। जो आज वो जिस तरह से बोल रही है उनको गलतफहमी हो गई है, मैं समझता हूँ कि शायद वो समझेगी और समझौता करेगी, नहीं तो कांग्रेस की वहाँ पे कमी नहीं होगी, ना वोट में ना उस तरह से। आगामी विधानसभा चुनाव में वो भी आने वाला ही है, तो क्या आप हिंदुस्तान की राजधानी में उम्मीदें करते हैं कि कांग्रेस का जनाधार या कांग्रेस का सीट कुछ न कुछ कहीं हद तक आ सकती है या फिर गुटबाजी की वजह से सुपा साफ दिखती है? लवली जी जब से प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ कि अब वो हालात जो पहले थे वो अब नहीं है। लवली जी हमारे साथ में एमएलए रहे, लवली जी ने फिर मंत्रालय संभाला, दिल्ली को संभाला, शीला दीक्षित जी के साथ में वो मंत्रालय में रहते थे, शीला दीक्षित जी के साथ में काम किया, और जो
आज भी हर दिल्ली का नागरिक ये कहता है कि शीला दीक्षित जी ने जो काम कर दिया वो ना तो किसी ने पहले किया ना शायद आगे कोई कर पाए। तो उस काम में नाम में मंत्री लवली जी भी थे, उनका भी सहयोग रहा था। लवली जी का काम करने का तरीका, प्रशासनिक काम करने का तरीका, एक अपने पार्टी के वर्कर का के साथ में मिलकर के काम करने का तरीका, लवली जी का बहुत अच्छा काम करने का तरीका है। आज वो जब से बने हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, विधानसभा, हर कार्यकर्ता के सुख में दुख में, और तो और पार्टी ऑफिस में भी वो बराबर बने रहते हैं। घर पर भीड़ लगी रहती है, लोगों से मिलते हैं, सबकी सुनते हैं, और मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में अगर टिकट बांटे सही, जो लवली जी के अनुसार बटे, सोच जो लवली जी की है, तो दिल्ली विधानसभा में कांग्रेस सत्ता में आएगी, ये आप देख लेना। आप एक चीज और बताएं कि क्या चौधरी शीशपाल जी बीजेपी के साथ वो सांसद हैं और आप पार्टी का सरकार है, देश के दूर दराज गांवों से आकर लोग यहाँ अपना जीवन गुजर बसर करते हैं, उनको मूलभूत सुविधा मुहैया कराने में इन दोनों ने क्या खासियत अपनाई है, करा पाई है या नहीं करा पाई है? वही मैं जो पहले कह चुका हूँ, जो शीला जी ने काम करा दिए, जो अनऑथराइज कॉलोनी झुग्गिया, जे कॉलोनी, जहाँ बाहर के हमारे पूर्वांचल के लोग हैं, दूसरे स्टेटों के लोग ज़्यादातर रहते हैं, उनमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने, शीला दीक्षित ने काम किया है। बीजेपी चाहे लोकसभा में आई, आम पार्टी चाहे दिल्ली में आई, लेकिन जो पब्लिक को, दिल्ली की जनता को, पूर्वांचली बाहर के लोगों को जो इन दोनों पार्टियों से जो उम्मीद थी, आप याद करो शीला दीक्षित जी जब मुख्यमंत्री थी तो घर पे कोई भी गया वो सबसे मिलती थी। आज आज के मुख्यमंत्री कितना मिल रहे हैं घर पे, आप ये देख लो, इनके एमएलए कितना मिल रहे हैं ये देख लो, और बीजेपी के एमपी हैं वो कितना मिल रहे हैं आप ये देखोगे, तो इन दोनों पार्टियों में से ज्यादा कांग्रेस पे विश्वास लोग करने लगे हैं। आज फिर कहने लगे हैं कि इन सबसे फिर भी कांग्रेस ही अच्छी थी। इन्होंने झूठा प्रचार करके, अब ये देखो शीला दीक्षित जी का प्रचार का कितना फंड होता था और आज की सरकार का कितना फंड है, अभी अखबार में टीवी में तो ये दिखते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, बाकी हकीकत में सिर्फ ड्रामाबाजी है। जो कांग्रेस ने किया है वो ही काफी था, वो ही कर सकते थे। आज इनसे निराश होकर के कांग्रेस की तरफ फिर सभी लोग जो है देखने लगे, और मैं समझता हूँ कि आने वाले चुनाव में, आप पीछे भी देखेंगे तो लोकसभा में कांग्रेस सेकंड रही थी और अभी भी अच्छा रिजल्ट आएगा, और दिल्ली विधानसभा में तो कम से कम मैं दावे के साथ मैं कहता हूँ अगली सरकार कांग्रेस की सरकार होगी। इन्होंने अपने मधुर स्वभाव से जो इनकी पहचान रही है, बेबाकी से अपनी बात कहते हुए दावा किया कि कांग्रेस का सरकार बनेगा। चौधरी शीशपाल जी ने जो अपना कीमती समय दिया इसके लिए, आर के सिंह रिपोर्टर, कैमरामैन दिलीप सिंह के साथ, धन्यवाद चौधरी शीशपाल जी। धन्यवाद।